जेई मेन 2020 8 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स एब्जॉर्ब्स टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑन कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन एंड ऑल्सो गिव्स फॉलोइंग रिएक्शन। एक तो यह है कि वो दो एच टू के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है यानी उसका डी यू टू है। दूसरा क्या है, वो एक रिएक्शन करता है, ये एक्स ऑन ओजोनलिसिस फॉलोड बाई जिंक एंड वाटर गिव्स ए, ए ऑन रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट है, डाइएमीन सिल्वर आयन जो है वो सिल्वर वन प्लस आयन जो है वो टॉलेंस रिएजेंट है, इससे बी मिलता है और बी का नाम इन्होंने लिख दिया है। बी का नाम क्या लिखा है, थ्री ऑक्सो हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब बोलते हैं एक्स विल बी, एक्स क्या क्या हो सकता है, कई सारे ऑप्शन है, सिक्स मेंबर्ड रिंग सब में है और डी यू थ्री सबका है, डी यू थ्री सबका है और लेकिन रिंग होने के बाद दो ही डबल बॉन्ड्स हैं, मतलब दो ही पाई बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि सारे ही ऐसे हैं जो दो मोल एच टू का कंजम्पशन कर सकते हैं। तो अगर हम एक्स एब्जॉर्ब्स टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑन कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन अगर हम इस लाइन को देखें तो इसके हिसाब से सारे ही हो सकते हैं। तो एक एक करके ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की खास बात यह होती है कि एक आंसर तो इनमें से होगा ही, एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। चलो जैसे ऑप्शन वन ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन वन में इन्होंने दिया हुआ है कि ये इस तरह का एक साइक्लोहेक्सीन है, ये इसका नाम है 1 2 3 4, तो दिस इज 4 मिथाइलीन साइक्लोहेक्सवानीन, राइट। अगर इसको एक्स मान लें अगर, और इसकी ओजोनोलिसिस करवाएं फॉलोड बाय जिंक वाटर, यानी कि हम इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, तो आपको पता है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एक ही चीज होती है, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। तो अगर हमने बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ा तो यहाँ एक ऑक्सीजन और ये कार्बन जो अलग निकल के चला जाएगा आउटर वाला, उसका एक फॉर्मल्डिहाइड अलग हो जाएगा और बदले में यहाँ पर भी बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा तो एक CHO यहाँ और एक CHO यहाँ, ठीक है ना। अब अगर आपने इसकी रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से करवा दी, जिसको उन्होंने AgNH3+ लिखा हुआ है, इट इज़ नथिंग बट टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइडों का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है। टॉलेंस रिएजेंट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू एसिड, बट कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस रिएजेंट, राइट। तो अब ये क्या बन गया बताओ, इसको मैं अलग निकाल के ऐसे लिख देता हूं जरा, इसका नाम है, ये है प्रोडक्ट बी, इसका नाम देख लो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम है 3-oxo hexane dioic acid, 3-oxo hexane dioic acid। मैं आपको एक बात बताता हूं, इन्होंने लिखा है 3-oxo hexane dicarboxylic acid, IUPAC के हिसाब से वो नाम गलत है, ठीक है ना। अगर डाई कार्बोक्सिलिक लिखना था तो फिर हमें 8 कार्बन चाहिए, हेक्स मतलब 6 कार्बन और कार्ब डाई कार्ब मतलब 2 और कार्बन, ठीक है ना। तो 8 कार्बनों का हिसाब इन्हें बनाना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन इन्होंने किसी भी ऑप्शन में 8 कार्बनों का हिसाब नहीं बनाया, और जिसमें बनाया है उसमें फिर वो इस रिएक्शन को मीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सारे कंपाउंड्स को देख लो, जैसे सेकंड वाले में आप ओजोनोलिसिस करवाओ, सेकंड वाले में ओजोनोलिसिस करवाओगे तो इस तरह का एक डाई कीटोन मिल जाएगा और फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, आगे रिएक्शन नहीं होगी। थर्ड वाले ऑप्शन में अगर आप ओजोनोलिसिस करवाओगे तो CHO मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा, ये 2-oxo कहलाएगा, ठीक है ना। फोर्थ वाले में अगर आप ओजोनोलिसिस करवाओगे तो यहाँ CHO और यहाँ पहले से ही O है, ये भी इसी जैसा हो जाएगा, तो 3-oxo नहीं मिलेगा। तो 3-oxo के साथ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, लेकिन जो इन्होंने फाइनल बी प्रोडक्ट का नाम लिखा है ना उसमें मुझे आपत्ति है। इन्होंने लिखा है 3-oxo hexane dicarboxylic acid, उसके हिसाब से 8 कार्बन होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल इसका IUPAC नेम निकलेगा 3-oxo hexane dioic acid, ठीक है ना। वासन भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा उस हिसाब से ऑप्शन 1, लेकिन एक उसमें जरा सा करेक्शन है, ठीक है। हालांकि उसकी वजह से क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 8 कार्बनों का कहीं कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं कि कंफ्यूजन हो, बट दिस वॉज माई कंसर्न जस्ट टू मेक इट इन टू ब्रिंग इट इन योर नोटिस, ठीक है ना। प्लीज नोट इट डाउन।